नहीं, संधड़ी का मतलब तो क्या है कि देखो, संधड़ी का मतलब यह है कि वो एक तरीका जोड़ना ही है, ठीक है। तो विविंग के उसमें अगर लैंग्वेज में बोलेंगे ना, तो संधड़ी का मतलब है जोड़ना, और जोड़ना है ना वो आध्यात्मिक रूप से भी है, कारीगरी की रूप से भी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से उसको समझाने का, सिखाने का, वो भी है, वो सब जोड़ है। और विविंग एक ऐसी चीज़ है, वो एक साधना है, वो एक ध्यान है, वो एक योग है, और वो एक जोड़ है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे सोच यह थी कि हम समझना चाहते थे कि बुनकर समुदाय के साथ हम कहाँ हैं। ऐसा सोचा गया था कि इस प्रोजेक्ट का फोकस पूरे रूप से बुनकर समुदाय पर होगा, और यह समझना कि कैसे बुनकर समुदाय की कारीगरी एवं अभ्यास समग्र समुदाय को प्रभावित करती है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन देयर लाइव्स। उनके जीवन में आर्थिक बदलाव भी हो रहे हैं। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व पारिस्थितिक पहलू उस आर्थिक बदलाव के साथ हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत हमने आत्म मूल्यांकन करने के लिए एक वैकल्पिक परिवर्तनकारी प्रारूप तैयार किया है, जिससे वो खुद समझ सकते हैं कि इन गतिविधियों से किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। हम देखना चाहते थे कि कारीगर समुदाय को ये वैकल्पिक परिवर्तनकारी प्रारूप उपयोगी लग रहा था या नहीं। यह एक अच्छा पार्टनरशिप रहा है, जिसमें कारीगर समुदाय की पारिस्थितिक समझ और खमीर जैसे संस्था का अभ्यास, तकनीक और संचालन की समझ का तालमेल हुआ। यह परियोजना की साझेदारी खमीर, कल्प वृक्ष और कारीगर समुदाय के बीच थी। इसमें कारीगर समुदाय भी शोधकर्ता की भूमिका में आए। तो ये एक ऐसा एक मौका है कि एक कम्युनिटी जो है विविंग की, उसको अपने आप को पहचानने का, अपने आप की जो गहराई है, अपने समाज की जो एक अंदरूनी जो ताकत है, उस चीज़ को पहचानने का एक नया मौका है। जो आपका अभ्यास चल रहा था उसमें पर हम जुड़े थे, और दरेक गांव में ये हम साथ में चले थे, तो एक तो ऐसा लग रहा था कि जो वो व्यूअर है गांव में बैठे हैं, तो उसको ऐसा लगा कि हमारे काम का विकास करने के लिए ये लोग आए हैं। જ્યારે અભ્યાસની શરૂઆત કરી ત્યારે અમારી ઈચ્છા આખા કચ્છના જબ હમને શરૂઆત કી તબ હમારી ઈચ્છા થી કે હમ કચ્છ કે ઉન સભી ગાંવ મે પહોંચે જહાં પર ભી બુનકર સમુદાય કામ કર રહે હે એપ્લિકેશન સર્વે કે માધ્યમ સે હમ સભી બુનકર મિત્રો તક પહોંચ ગયે હે લેકિન અભ્યાસ કે કેન્દ્ર કે જો મુદ્દે થે ઉન્હેં ગહેરાઈ સે શોધ કરને કે લિયે हमने केवल 15 गांवों का ही चयन किया है। कारीगरी की विशेषता के आधार पर इन 15 गांवों का चयन किया गया था। जैसे कि सिराचा गांव के कारीगर जो दूसरे व्यवसाय से जुड़ गए थे लेकिन अभी वे वापस आ गए हैं, या फिर कोटा गांव जहां के कुछ युवा वापस बुनाई काम से जुड़ रहे हैं, या फिर आदोई, मोटा वरनोरा जहाँ के लोग निर्माण कार्य से जुड़ गए थे लेकिन अभी वे वापस आकर बुनाई का काम कर रहे हैं। When we started, वैकल्पिक परिवर्तनकारी प्ररूप को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ शोध के तरीके अपनाए, जैसे फील्ड का दौरा करना, अलग अलग लोगों के साथ चर्चाएं की, साक्षात्कार किए
और रियान में भी हिस्सा लिया। रियान कच्छ की वनकर समुदाय की एक प्रथा है जिसमें समुदाय के लोग रात को इकट्ठा होकर भजन गाते हैं। हमने बुनकर समुदाय की इन सांस्कृतिक रिवाजों और रीतियों को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाया और इसके साथ ही सामूहिक चर्चाएं भी हुई जिसमें अलग अलग महिलाओं, जॉब वर्कर्स, युवाओं के साथ बातचीत भी की। अभ्यास के तरीकों को हमने सहभागी रखने की कोशिश की ताकि समुदाय एक हितधारक की तरह जुड़ा रहे। इस अभ्यास के लिए हमने फिल्म के द्वारा भी दस्तावेजीकरण करने की कोशिश की और इन फिल्मों को समुदाय की सहभागिता से बनाया गया है। बुनकर समाज के 7 युवाओं को शूटिंग व एडिटिंग का प्रशिक्षण मिला। इस प्रक्रिया से समाज के युवाओं का उनके खुद के समाज के प्रति दृष्टिकोण भी झलका। शूटिंग और एडिटिंग वगैरह उस फिल्म में जो व्यूवर्स हैं वो वनकर समाज की जो हिस्ट्री है वो कैसे काम करते हैं, उनकी मार्केट के बारे में, यूथ के बारे में, वुमन के बारे में और पर्यावरण के बारे में, ये सब हम डॉक्यूमेंट्री एक साथ जोड़ के पूरा उसके ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म मेकिंग में तो हम सबके घर पे जाते थे, इंटरव्यूज लेते थे। कैमरा कैसे चलाना वो भी मुझे नहीं पता था, वो सीखा। किसी के साथ कैसे बात करना वो सीखा। खमीर और कल्पवृक्ष के लिए एक अहम सीख ये थी कि हमें हमारी धारणाओं और काम करने की पद्धति पर हमेशा सवाल करते रहना चाहिए। हमें 4 से 5 नतीजे जानने को मिले, जैसे बुनकर समुदाय में आर्थिक बदलाव हुआ है जो पहले से अब कहीं ज्यादा संपन्न है, लेकिन दूसरी ओर जो बुनकर भुज शहर से दूर रहते हैं या जिन्हें संस्थागत सहयोग नहीं मिला है वो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। कई बार उद्यमी बुनकर और उसके वर्कर के बीच काफी अंतर महसूस होता है। 12 महीना तो मैं बुनकर का काम सीख रहा था, फिर मैंने वो छोड़ दिया और मैं दुबई चला गया। वहां से वापस क्यों आ गए? वहां तो कमाई अच्छी थी। कमाई थी पर गैस लगाने का नया काम था। अब तो 4 साल से बुनाई का काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसके जैसा कोई और काम नहीं। अगर सबको मिलता रहे, जब कोई चाहे तब ये काम कर सकता है। कोई भी अपने घर आया हो तो सभी इकट्ठा हो सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे कि हम दूसरे जॉब करते हैं तो वहाँ पे पूरा टाइम देना पड़ता है, 8 घंटे, और किसी और के लिए एज अ जॉबर काम करना पड़ता है। जबकि हमारा जो वनर काम है वो ऐसा है कि हम खुद अपने बॉस हैं इस वनर काम में, और ज्यादा टाइम इसमें देखे ज्यादा काम कर सकते हैं। हैंडलूम और डिजाइन स्कूल्स का भी बुनकर समाज के युवाओं के सशक्तिकरण में सहयोग रहा है। वहाँ उनको कई तरह के मार्केट से कनेक्शन और सोशल मीडिया के जरिए अपनी कला का विपणन भी बताया जाता है। इन माध्यमों से उनका काम को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आर्थिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी नजर आ रहे हैं। आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास, जैसे कि शिक्षा का प्रसार, जातिवाद का कम होना, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के रूप में ये समुदाय एक दलित समुदाय है और पहले होने वाले जातिवाद के कारण छुआछूत और भेदभाव भी हुआ करता था। एक तो ये तो बात है, वनाट या बुनाई करने से एक ऐसा थोड़ा सम्मान मिला है, साथ साथ में जो ये समय के साथ जो एजुकेशन आया जो, और लोगों का नज़रिया थोड़ा चेंज होता जा रहा है, परिवर्तन आते हैं, और अन्य समाजों के साथ साथ एक समानता
आती जा रही है। दूसरा सामाजिक बदलाव महिलाओं की भागीदारी में दिखता है। पहले वो लूम पर नहीं बैठती थी और केवल प्री लूम के कार्य करती थी, पर अब काफी महिलाएं और लड़कियां लूम पर बैठने लगी हैं और इसके साथ उनकी रचनात्मक कृतियां भी उभर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर महिलाओं का काम अब दुगना हो गया है, क्योंकि लूम के साथ साथ उन्हें उनके घर का भी काम करना पड़ रहा है। महिलाएं इस क्षेत्र में जिस तरह से आ रही हैं और उनका स्थान किस तरह से मजबूत हो रहा है, इस प्रक्रिया में खमीर कैसे जुड़े जिससे हमारी बेहतर समझ बने, ये सब इस पद्धति से हमें पता चला। जो तीसरा मुद्दा हमने देखा है वो है युवाओं की भागीदारी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग बढ़ने के कारण युवा न केवल अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, पर मार्केट के साथ भी काम कर पा रहे हैं। अलग अलग पीढ़ियों के बीच में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस अभ्यास में जो वणाक के काम में से लगते हुए पर्यावरण के मुद्दे हैं उसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, और इसको समझने के लिए हम लोगों ने जो अप्रोच फॉलो किया है, मेथड फॉलो किया है, वो इस तरह से है कि जिसमें हम बोलते हैं उसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेज़र करेंगे। बीटी कॉटन से या हाइब्रिड कॉटन से बनाए हुए यार्न से जब एक वणाक अपना पूरा काम करते हैं और एक कोई टेक्सटाइल या फैब्रिक तैयार करते हैं और उसको मार्केटिंग करते हैं, तो उसके क्या नुकसान फ़ायदे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम जो अभी रिसेंटली सालों में शुरू हुए काला कॉटन के साथ जो काम हो रहा है उसके साथ में लगते हुए मुद्दे किस तरह से पर्यावरण के लगते हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि जिस तरह से अभी किसान वीवर्स अपना बढ़ा रहे हैं अपने काला कॉटन के प्रोडक्ट्स को, यदि वो करने जाते हैं तो उससे हमको पर्यावरण को नुकसान कम होता है। ये इस चीज का हमारा स्टडी से थोड़ा सा ध्यान से निकल गया। समाज के कई पहलू होते हैं जो कि आपस में परस्पर जुड़े होते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनमें से किसी एक मुद्दे को लेकर समझना और फिर उसके आधार पर सभी को एक साथ देखना समझना थोड़ा मुश्किल है। इस अभ्यास की कुछ सीमाएं एवं चुनौतियां भी थी। कच्छ एक बहुत बड़ा इलाका है और बुनकर समाज बहुत फैला हुआ है, इसलिए हमने अभ्यास के लिए 14-15 गांव ही लिए। एक और चुनौती यह थी कि इस अभ्यास में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। ये शायद पुरुष प्रधान समाज के कारण अभ्यास में शामिल नहीं हो रही थी। महिलाओं की भागीदारी कोर ग्रुप में बहुत कम थी, जिसके लिए हमने महिलाओं का एक अलग ग्रुप बनाने का निर्णय लिया। किसी भी मीटिंग में पुरुषों के बीच महिलाओं की भागीदारी कम होती है। अवधनगर में महिलाओं का एक ग्रुप बनाया गया था और उनके तथा दूसरे गांव के लोगों के बीच वार्तालाप बहुत अच्छा रहा। ये जो वनकर का अभ्यास चल रहा है उसमें हम जुड़े थे, खास करके अवधनगर की महिलाएं सारी थी, तो जिसमें हम सिराचा गए थे, जामथड़ा गए थे, बाद में कोटा गए थे और अभी भी एक दो गांव में जाना है। तो जहाँ पे हम लोग गए उस गांव में ये अनुभव हमको हुआ कि महिलाएं भी और मर्द से कुछ कम नहीं है, वो भी इतना ही काम करती हैं, वो भी घर का पूरा काम करती है और इतनी वीविंग करती है, तो फिर भी उनको इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता जितना आदमी को मिलता है। विश्व में अगर साधन उपलब्ध हों तो बुनकर समुदाय के इतिहास के ऊपर
एक प्रदर्शनी की जा सकती है जो कि बुनकर समुदाय भी चाहता है। इस अभ्यास के लिए खमीर की भूमिका एक फैसिलिटेटर की इसीलिए थी ताकि अभ्यास में समुदाय स्वामित्व बढ़े और वह अपनी इस कला को बाहरी दुनिया तक खुद ही ले जाए बिना किसी संस्था पर निर्भर होकर। उम्मीद रही है कि इससे डिजाइन, नयापन और कला की भाषा बरकरार रखी जाए। कल्पवृक्ष, खमीर और KWA, इन सभी ने इकट्ठे होकर कच्छ के बुनकर समुदाय व दूसरी कला के कार्य की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया शुरू की है और ये सिर्फ कच्छ के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल की तरह साबित होगा। वगैरह जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन बनेगा वो एक ऐतिहासिक तौर पे एक बहुत बड़ी अमूल्य चीज़ रहेगी और इससे हमारी पीढ़ियाँ प्रेरणा लेंगी।